हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि पैरामीटर क्या होता है। द एंटायर लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज नॉन एज पैरामीटर। मतलब कोई भी क्लोज शेप है उसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है वो हमने पढ़ी थी कि उसको हम पैरामीटर कहते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया। हम बहुत सारे शेप्स के एरिया निकालेंगे, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इन सब के एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एरिया बोला किसे है। द अमाउंट ऑफ अ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज नॉन एज एरिया। मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर है, कोई भी क्लोज शेप है, वो चारों तरफ से बंद है, ठीक है, चारों तरफ से बंद है, तो इसके अंदर का जो सरफेस है उसको जब हम मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, एरिया। मतलब कोई भी क्लोज फिगर का जो सरफेस एरिया है उसको जब हम मेजर करते हैं तो वो एरिया कहलाता है, और कोई भी क्लोज फिगर है ओनली उसकी बाउंड्रीज को हम मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ से डिफरेंस समझ में आ रहा है एरिया और पैरामीटर क्या होता है। एरिया में क्लोज बाउंड्री के अंदर का पूरा सरफेस कवर होगा, और पैरामीटर में ओनली बाउंड्री की लेंथ, कि वो कितना लंबा या कितना चौड़ा है उसकी लेंथ जो है वो मेजर होती है पैरामीटर में। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने एक एरिया लिया है रेक्टेंगल का, ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल लिया है, इसकी लेंथ क्या है ये, और ब्रेथ क्या है ये, मतलब लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई। अब हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं। अगर हमें पैरामीटर निकालना होता तो हम ये लेंथ ले लेते और इसमें ये ब्रेथ ऐड कर देते, ये लेंथ और ये लेंथ ऐड कर देते, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ ऐड कर देते, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होती और यहाँ पे जो वैल्यू होती उनको सबको ऐड कर देते, तब तो पैरामीटर निकल जाता। अब हम एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेंथ दे रखी है यहाँ पे, जो लेंथ दी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से। जैसे यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 भी क्या है सेंटीमीटर है, 3 भी क्या है सेंटीमीटर है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो हम एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसके जो अंदर का पूरा सरफेस है वो कवर हो पाएगा, कि इस पूरे सरफेस की लेंथ क्या हो जाएगी और ब्रेथ क्या हो जाएगी, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अब हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर में क्या होता है, जो साइड्स है, साइड्स क्या है, इक्वल है, साइड्स सारी इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें जितनी भी साइड होती है, चार साइड होती है, वो चारों क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर बोल रहे हैं। तो इसमें चारों साइड्स इक्वल होती है, तो जो यहाँ होगा वो ही यहाँ होगी, जो लेंथ इसकी है वो ही लेंथ इसकी हो जाएगी। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड। मतलब अगर यहाँ पे हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 और ये भी 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा यहाँ से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, जो ये साइड है उसको मल्टीप्लाई कर दो इस साइड से, क्योंकि सारी साइड क्या इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा साइड का स्क्वायर। अगर यहाँ 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो 6 का स्क्वायर कर दो 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 92 सेंटीमीटर। हमें पैरामीटर दे रखा है स्क्वायर का,
तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? 4 × साइड। तो ये हमें गिवन है, कितना दे रखा है? 92 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? 4 × साइड। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले साइड निकालेंगे, देन हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अगर आपको पैरामीटर दे रखा है तो आप पैरामीटर का फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपको एरिया दे रखा है और पैरामीटर पूछा है तो पहले आप एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहां से हमने देखा कि साइड क्या आ जाएगी, 92, ये 4 क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। यहां से डिवाइड करो, यहां से आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो इसकी एक साइड आ गई 23 सेंटीमीटर। अब जब हमें ये स्क्वायर होता है, ठीक है, जब हमें ये साइड पता चल गई है कि इसकी जो साइड है वो 23 सेंटीमीटर है, तो आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अब एरिया का फॉर्मूला याद हो चुका है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करोगे और हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 23 × 23 क्या आ जाएगा, 529 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 529 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, और इसका पूरे का एरिया पूछा है। आप कैसे निकालोगे इसको, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ये क्या है, बिग रेक्टेंगल, ठीक है, और अंदर भी क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो ये स्मॉल है और ये क्या है, बिगर है इसके कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम इस ये वाले रेक्टेंगल का निकालेंगे, जिसकी लेंथ तो क्या दे रखी है हमें, 16, और ब्रेथ दे रखी है 12। देन हम अंदर वाले का निकालेंगे, अंदर वाले रेक्टेंगल क्या है, इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। इन दोनों का एरिया हम अलग अलग निकालेंगे, देन हम इसके एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, बिग वाला रेक्टेंगल कौन सा है, जिसकी लेंथ 16 है और ब्रेथ क्या है, 12। यहाँ से हमने एरिया निकालना है, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, कौन से फॉर्मूले से, इससे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ इसकी दे रखी है 16 और ब्रेथ दे रखी है 12। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से एरिया भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकालेंगे स्मॉल रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, इसका भी क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या दे रखी है इसकी, 6 सेंटीमीटर। यहां से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया 192 और स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया आ गया 54। अब हम क्या करेंगे, हमें किसका फाइंड करना है, इस वाले पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसमें से स्मॉल वाले रेक्टेंगल की एरिया माइनस कर देंगे, जिससे हमें सिर्फ ओनली ये जो बाउंड्री है इसका हमें एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। बड़े वाले रेक्टेंगल का क्या था एरिया, 192 माइनस 54। तो यहां से जब हम इनको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, ये इसका, ये जो बाउंड्री है या फिर शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे आप
एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मतलब जो यहाँ पे शेड किया हुआ है, ठीक है, इसका हमने एरिया निकाला है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 138। पहले हमने बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर हमने छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला। बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से जब हम छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारा शेडेड पोर्शन है, ये हमने जो शेड किया है, इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पेपर शीट दे रखी है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ दे रखी है हमें 75 सेंटीमीटर। इस शीट से हमें एनवलप बनाना है और एनवलप की साइज क्या होनी चाहिए, लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ब्रेथ उसकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि इस पेपर शीट से कितने एनवलप बन सकते हैं और एनवलप की साइज है 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पेपर शीट का एरिया निकालेंगे, देन हम एनवलप का एरिया निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ पेपर शीट। पेपर शीट की लेंथ है 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें 75 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल शेप में ये पेपर शीट है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमने लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया यहाँ से 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया पेपर शीट का एरिया। अब हमें निकालना है एनवलप का एरिया, तो यहाँ से एरिया ऑफ एनवलप क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, लेंथ मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एनवलप का एरिया आ गया और ये आ गया पेपर शीट का एरिया। अब हमें पूछा है कि इस पेपर शीट से कितने एनवलप बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 7500 अपॉन 100। तो यहाँ से हमारा आएगा 75 एनवलप। कितने एनवलप बन जाएंगे इस शीट से, 75 एनवलप बन जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और इसकी ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर, ठीक है, और इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है 24 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमारे पास है 24 मीटर स्क्वायर और हमें क्या निकालना है, जो शेडेड एरिया है मतलब जो शेड किया हुआ है उसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे, उसमें से हम ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ट्रायंगल का एरिया हमें पहले से दिया हुआ है 24 मीटर स्क्वायर। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या आ जाएगा यहाँ से, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, मल्टीप्लाई कर दो 6 मीटर से, यहाँ पे मीटर दे रखा है, ठीक है, क्या आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल के एरिया में से हमें किसका एरिया माइनस करना है, 24 मतलब ट्राइंगल का, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो 60 माइनस 24, क्या आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, जो शेडेड पोर्शन है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा, रेक्टेंगल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आया 36 मीटर स्क्वायर, जो किसका एरिया है, शेडेड पोर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेक्टेंगल दे रखा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल है, हमें इसके पूरे की एरिया निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे और देन हम इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी पूरी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस वाले का निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा यहाँ से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी आई है, ये इस वाले पोर्शन की आई है, ठीक है। अब हमें ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हमें इस तरह दे रखा है 40
4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर क्या आ गया यहाँ से, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये पूरे का एरिया पूछा है, हमें क्या पूछा है, इस पूरे का एरिया पूछा है। तो बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देंगे, टोटल एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूरे का पूछे तो क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सिर्फ इसका पूछा होता तो हम ओनली इसका निकालते, अगर सिर्फ इसका पूछा होता तो हम सिर्फ इसका निकालते। इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, इस वाले की पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। तो टोटल पूछा है तो टोटल में क्या करेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के स्टडी करेंगे। आज हमने एरिया के बारे में पढ़ा और हमने एरिया और पैरामीटर के क्वेश्चंस किए। थैंक यू।